हेलो एस्पिरेंट्स, उजांग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को उजांग का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आंसर राइटिंग यानी कि मेंस में उत्तर कैसे लिखें, इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा उत्तर लिखना आईएएस परीक्षा में सफल होने की मुख्य कुंजी है। आइए उसकी मुख्य बातों को समझते हैं। दोस्तों, उत्तर लिखते समय शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। आप एग्जाम में शब्द गिन नहीं सकते, परंतु अंदाजा लगाइए कि एक उत्तर आपको 5 से 6 मिनट में लिखने का प्रयास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। भाषा को सुस्पष्ट और सरल रखें। एक मिथ है कि हमें बहुत अच्छी हिंदी या बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी तो हम बहुत अच्छा लिख पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अक्सर पुच्छ वाक्य यानी टेल सेंटेंसेस वाक्य का पूरा अर्थ बदल के रख देते हैं, अतः कहीं ऐसा ना हो कि पूछा कुछ और जा रहा है और हम उत्तर कुछ और दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में हमेशा चर्चा कीजिए, विवरण दीजिए, उल्लेख कीजिए, व्याख्या, समीक्षा और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए जैसे शब्द आते हैं। इन शब्दों का आशय भिन्न भिन्न होता है। यदि हम इन प्रश्नों का आशय नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, अतः इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए, सटीक एवं निर्णयात्मक होना चाहिए। बेवजह की रूपरेखा बनाने से हमें बचना चाहिए। कई बार देखा गया है कि एस्पिरेंट उत्तर तो सारा लिख डालते हैं पर वह प्रश्न की डिमांड से कहीं दूर परे होता है। उत्तर की शुरुआत एवं अंत को प्रभावशाली बनाएं। अनावश्यक लंबी चौड़ी भूमिका बांधने से बचें। अगला जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तर लिखते समय महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, घटनाएं या पॉइंट को अंडरलाइन करते जा सकते हैं आप। उत्तर हमेशा पैराग्राफ में लिखने की आदत डालें, यानी जहां आपकी एक बात पूरी हो गई है और कोई नई और महत्वपूर्ण बात लिखने जा रहे हैं तो तुरंत पैराग्राफ बदल दें। ये एक बहुत अच्छा आपका एक प्रेजेंटेशन रखता है सामने। उत्तर लेखन में विशेष ध्यान रखें कि किसी तथ्य को दोबारा तो नहीं लिख रहे हैं, इससे बचने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करें कि उन्हीं प्रश्नों का चयन करें जिनकी व्याख्या आप कम शब्दों में अधिक प्रामाणिकता के साथ कर सकते हैं। उत्तर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूट्रल या उदासीन बने रहने की। सबसे बड़ा चैलेंज है आपके सामने। किसी विशेष व्यक्ति अथवा सरकार के कार्यों को दर्शाते समय हमेशा उदासीन बने रहें, किसी की तरफ मत जाएं, न किसी के आलोचक न किसी के समर्थक बने। हर चीज के दोनों पक्षों की पड़ताल कीजिए। अगर किसी चीज से लाभ है तो उससे हानियां भी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के समय में आपको उत्तर लिखते समय कई डायमेंशंस में सोचना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगा, कई विषयों के माध्यम से आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए थॉट मैपिंग विधि जो मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, उस विधि का प्रयोग बहुत ही उपयोगी रहेगा, उसमें आप बहुत अच्छे उत्तर लिख सकेंगे। दोस्तों, ओजांग फाउंडेशन का मकसद आपकी सफलता की राह में आपका सहयोगी बनना है। तैयारी संबंधी किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8285894079 पर रिक्वेस्ट भेजें या www.ojank.com पर विजिट करें। धन्यवाद।